सो इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 5P इन IT करियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यू कैन सी द पिलर। अगर आपको वाकई सक्सेस होना है IT फील्ड के अंदर तो ये 5P के ऊपर में आपको काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको अभी बता रहा हूं। सो बाद में मत बोलना कि मंजीत ने बताया नहीं। तो सबसे पहला जो यहां पे आता है दैट इज द पैशन। व्हाई पैशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज अगर आपके अंदर कोई ऐसा पैशन है ही नहीं, आपकी जो हॉबी है, कई बार हम लोग क्या होते हैं कि किसी दूसरे पर्सन से इंस्पायर हो जाते हैं, किसी के वीडियो देखी या किसी का वेबिनार अटेंड कर लिया या किसी का लाइव स्टेज के ऊपर जाकर जो है कोई फंक्शन देख लिया, वहां पर उनसे हम मोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज ही सो सक्सेस इन दैट फील्ड पर्टिकुलरली, तो हम भी सोचते हैं कि हम उस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ में बढ़ जाएं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आपको वो नहीं फॉलो करना है कि जिससे आप इंस्पायर हुए हो, बिकॉज जो नशा है वो कुछ समय का होता है, वो नशा जैसे जैसे टाइम बीतेगा वो उतर जाएगा और आप जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कवर द पैशन इनसाइड योरसेल्फ। आपका पैशन क्या है? इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो मेरा जो पैशन है वो दो है। मैं दो ऐसी चीजें हैं मेरे करियर की जिसके अंदर मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हूंगा, जिसके अंदर मैं कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं हूंगा, जिसमें मुझे काम करने में हमेशा मजा आता है। पहला जो मेरा है वो है यहां पर IT का, यानी कि कोडिंग, IT की नई टेक्नोलॉजी को सीखना, उसके अंदर काम करना। दिस इज माई फर्स्ट पैशन जिसके अंदर मैंने अपना करियर बनाया। दूसरा पैशन, अगर मैं IT फील्ड में नहीं आता तो डेफिनेटली मैं एक ड्राइवर बनता, बिकॉज ड्राइविंग इज माई हॉबी, दैट इज माई पैशन। सो ड्राइवर बन के भी मैं बिल्कुल ड्राइवर की तरह वहां पे नहीं स्ट्रक होता, लेकिन उसको स्लोली ग्रेजुअली बिजनेस में कन्वर्ट करके एक बड़ी ट्रैवल एजेंसी बना लेता, दैट इज माई पैशन। सो आपको अपना खुद का जो पैशन है दैट यू हैव टू डिस्कवर। सेकेंड पी हमारे पास यहां पे आता है, दैट इज द प्रॉब्लम। जो आपका पैशन है वो किसी दूसरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकता है, बिकॉज ये सारी चीजें जो मैं आपको 5P बताने वाला हूं ये सारे इंटरकनेक्टेड है। पी प्रॉब्लम, अगर मैं बात करूं मैं ड्राइवर बनता तो ड्राइवर बनके मैं क्या करता? जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, जो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना चाहते हैं लेकिन उनके पास में खुद का कोई व्हीकल नहीं है, तो डेफिनेटली दे कैन अप्रोच मी और मैं उनको जो है उनकी लोकेशन से और जहां पर भी जाना है वहां पर छोड़ सकता था। और ये सेम चीज मैं IT फील्ड के अंदर भी कर रहा हूं। जो नई कंपनीज अपना नेटवर्क इंप्लीमेंट करती हैं मैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता हूं कि किस तरह से नेटवर्क उनका होना चाहिए। अगर कोई कंपनी पहले से रनिंग पोजीशन पे है और काफी समय से चल रही है, उनके नेटवर्क में कोई बड़े इश्यूज आ गए, मेजर इश्यूज आ गए हैं, उसको ट्रबल शूट करना, उसको सॉल्व करना, दैट इज द प्रॉब्लम। इस तरह के आपका काम जो है वो प्रॉब्लम। तो मेरा जो पैशन है वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकता है, ये आपको उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा। थर्ड हमारे पास यहां पे आता है, दैट इज द पर्सनल इंटरेस्ट। आपका जो पैशन बहुत है, आपको उसके अंदर बहुत अच्छा है कि आपको ये करना ही करना है, आप उसके जरिए प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर आपका जो है पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है करने में, हॉबी है आपकी, पैशन है आपका कि मुझे ये करना है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअल, जब आप उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो रियल लाइफ के अंदर, तब आपने रियलाइज करा कि यार आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अगर मैं मेरी बात करूं, मेरा जो पैशन था दैट टू इनटू आईटी एंड ड्राइविंग, लेकिन सम हो मेरे जो करियर है बिफोर द आईटी फील्ड, मैं जो है अकाउंट्स के अंदर मैंने काम स्टार्ट कर दिया बिकॉज आई गॉट इंस्पायर्ड विद समवन। अकाउंट्स में मैंने काम स्टार्ट करा और कुछ सालों तक मैंने उसके अंदर काम भी करा, उसको मैंने अपना पैशन मान लिया कि वो मेरा पैशन है, अकाउंटिंग इज माई पैशन, मान लिया उसको मैंने अपना पैशन बिकॉज आई गॉट इंस्पायर्ड विद समवन। So ultimately, after some years of working into that accounting field, I realized कि मुझे उसमें मजा नहीं आ रहा है, मेरा जो interest level है वो वहां पे खत्म होते जा रहा है। क्यों खत्म होते जा रहा है? Because I have to keep doing same things every day. So that was not the passion. वो मेरा passion नहीं था। Because वो passion जो है किसी के लिए problem तो solve कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें मेरा personal interest नहीं आ रहा है, so वो आपका आप यहां पे fail हो जाओगे। Because that वो आपको personally कोई benefit नहीं दे रहा है, आपको कोई नए goal तक पहुंचने के लिए, आपको किसी एक और मुकाम तक पहुंचने के लिए जो है excitement नहीं आ रही है,
सो ये आपको जो है यहां पे थर्ड पी के ऊपर में काम करना है। फोर्थ हमारे पास यहां पे है दैट द पोटेंशियल, आपका जो भी पैशन है, जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, आपको पर्सनली भी उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज यू आर गेटिंग एक्साइटेड अबाउट दैट कि मुझे और आगे कैसे लेके जाना है। लेकिन अगर उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर पोटेंशियल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट शेयरिंग एन एग्जाम्पल, इट्स नॉट दैट मैंडेटरी कि आपको ऐसा करना है। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस पोटेंशियल। सो से फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक ऐसी सिटी के अंदर हूं जहां पर आईटी का कुछ नामो निशान नहीं है, राइट? सो अगर वहां पर आप बहुत अच्छी आईटी का नॉलेज लेके वहां पे पहुंच जाए कि नहीं अब मुझे यहां पे काम करना है, मैं यहां पे एज अ एम्प्लॉय काम करना चाहता हूं किसी कंपनी के लिए, वहां पे ना तो कोई कंपनी है और ना ही कोई ऐसा आईटी का वहां पे रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नॉलेज लेकर आपके पास में पैशन है, आपके आपको पता है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है उसके अंदर, और जो है आपको लेकिन पोटेंशियल नहीं है। मैं एक ऐसी सिटी के अंदर बैठ गया जहां पर आकर जो है मैं ऑटोमेशन के अंदर बहुत एक्सपर्ट बन चुका हूं, लेकिन यहां पे जिस सिटी के अंदर हूं वहां पे ऑटोमेशन का लिए कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी कंपनी जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है या उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ऑटोमेशन की। सो दैट विल अगेन, ये पोटेंशियल नहीं है। तो पोटेंशियल आपके जिस भी फील्ड के अंदर जाना चाहते हो, जिस भी डोमेन के अंदर आप आईटी फील्ड में जाना चाहते हो, उसका पोटेंशियल क्या है? साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी आज की डेट में हर कंपनी का जो है पोटेंशियल, हर कंपनी को रिक्वायरमेंट है, तो आपको साइबर सिक्योरिटी साइड में जा सकते हो बिकॉज वहां पे पोटेंशियल है। नेटवर्किंग पोटेंशियल है, सर्वर टेक्नोलॉजी पोटेंशियल है, क्लाउड टेक्नोलॉजी पोटेंशियल है। सो आपको कोई ऐसी फील्ड बिल्कुल नहीं चुननी है जिसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, राइट? सो ये आपका करियर, आपका डोमेन को फाइंड आउट करने के लिए, आपके डोमेन को वाकई आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपका डोमेन सिलेक्शन जो है वो इन सभी पी के ऊपर में होना चाहिए। नाउ लेट मी शेयर दी फाइनल पी विच इज कॉल्ड दी पेमेंट। जब ये सारी चीजें होंगी तो डेफिनेटली आपकी जो पेमेंट की इशू है, आपके जो पर्सनल जो इश्यूज हैं आपके पेमेंट से रिलेटेड, वो आपके सॉल्व हो जाएंगे। आपके पास पैशन है, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपके पास में ऐसी स्किल्स हैं, आपको उसमें कंटिन्यू इंटरेस्ट भी बना हुआ है और आपके उस फील्ड के अंदर पोटेंशियल भी है, तो आपको पेमेंट 101% मिलेगी। जो भी आपका गोल सेट करोगे वहां तक आप आसानी से पहुंच पाओगे। सो यू नीड टू वर्क ऑन दीज फाइव पीस अगर वाकई अपने करियर के अंदर आईटी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं। सो यू नीड टू वर्क ऑन दीज फाइव पीस, और ये फाइव पीस कोई दूसरा नहीं बताएगा। डू नॉट टेक एनी सजेशन फ्रॉम द पर्सन हु इज नॉट सक्सेस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। ऐसे पर्सन से आपको जो है यहां पे जो है जो भी आपको फीडबैक लेनी है, जो भी आपको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी है, ऐसे पर्सन से लेनी है जो वाकई उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर खुद सक्सेस हो चुका है। जो खुद सक्सेस नहीं है वो आपको एडवाइस क्या देगा? और अगर कोई अनसक्सेसफुल पर्सन से एडवाइस लोगे तो डेफिनेटली वो आपको डीमोटिवेट करेगा, कभी भी आपको मोटिवेट नहीं करेगा, राइट? सो आपको रेदर देन टेकिंग अ सजेशन फ्रॉम एनी अदर, सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ये फाइव पी पे खुद काम करें। अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ, आप क्या कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, आपका इंटरेस्ट उसमें कब तक रहेगा, क्या उसमें पोटेंशियल है, डेफिनेटली पेमेंट आपके पास ऑटोमेटिकली आएगी। ये आपका एक सक्सेस होने का आईटी फील्ड के अंदर एक फॉर्मूला, दैट इज दी फाइव पी, राइट? सो इसके ऊपर में आपको जो है काम करना। देर आर लॉट ऑफ अदर फॉर्मूलाज जो मैं अपने करियर के अंदर जो है इंप्लीमेंट करता हूं, डेफिनेटली स्लोली ग्रेजुअली आई एम गोइंग टू शेयर ऑल दैट फॉर्मूलाज विद यू गाइस, सो दैट यू कैन enhance your career, you can set your goal, you can reach that goal, you can plan your roadmap, you can enhance your career, you can earn the money which you want in your life. That's all for this video. See you in the next video.